खनन माफिया ने युवक को दी जान से मारने की धमकी। जान से मारने की धमकी का ऑडियो हुआ वायरल। बाबरपुर निवासी कुलदीप ने बताया कि वो कार से जा रहा था, रास्ते में साड़ीखेड़ा के पास खनन हो रहा था। इस दौरान रास्ते में खनन माफिया संजय यादव से उसकी बहस हो गई। इसके बाद खनन माफिया ने उसे फोन कर जान से मारने की धमकी दी। माफिया ने फोन पर युवक से कहा कि कार के ऊपर जेसीबी चढ़ाकर जान से मार दूंगा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। मेरा नाम कुलदीप है, मैं बाबरपुर का रहने वाला हूँ और हम रात को हम गाड़ी चलाते हैं। हम अपनी गाड़ी से घर को जा रहे थे, रास्ते में खनन हो रहा था, मिट्टी खनन हो रहा था, तो हमारी गाड़ी निकलने में दिक्कत हुई, तो मैंने विरोध किया उसका। विरोध करने पर ये लोग गाली गलौज करने लगे हमें, और वहाँ से फिर हम भाग के घर पे चले गए। तो फिर बाद में हमने फ़ोन से बात करनी चाहिए, तो फ़ोन पे धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी है, कहा कि तुम्हारी गाड़ी पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मशीन चढ़ा देंगे और तुम्हें जान से मरवा देंगे। किन लोगों से बातचीत हुई थी? संजय ठेकेदार है, इन लोग बस अड्डे में मिट्टी डालता है। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी।